Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss a comparison between propositional logic and first order logic. Okay, जो propositional logic की जो कोई भी disadvantage है वो क्या करता है, first order logic है वो fulfill करता है. Okay, as per the knowledge representation technique, first logical representation technique, in logical representation technique we have a four technique: propositional logic, first order logic, higher logic, and fourth one is a fuzzy logic. But in our syllabus we have only discussed or we have only study about propositional logic and first order logic. So now we only discuss or we compare about propositional logic and first order logic. So let's start. Okay, here I used propositional logic as a PL, and for the first order logic we used as a FOL. Okay, this is a short form for the FOL, and short form for the PL is a propositional logic. Okay, so PL cannot represent small word like a vacuum cleaner word. Okay, वैक्यूम क्लीनर वाला जो हमारा प्रॉब्लम है उसको PL है वो क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. जबकि FOL है वेरी वेल रिप्रेजेंट और एक्सप्लेन द वैक्यूम क्लीनर और स्मॉल काइंड ऑफ स्मॉल वर्ड प्रॉब्लम. ओके, PL इज अ वीक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, वेर FOL इज अ स्ट्रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके, PL में हम क्या यूज करते हैं, प्रोपोजिशन यूज करते हैं. इट मीन्स एक सेंटेंस के लिए हम कोई एक वेरिएबल यूज कर लेंगे, एंड और नॉट इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज वो जो कोई भी इंडिकेशन है उसको लेकर हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस है उसको प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं. जब FOL क्या है, वो वीक है उसके रिप्रेजेंटेशन में. ओके, अगर जबकि FOL क्या है, वो अपने हिसाब से वो जो कोई भी रिप्रेजेंट है वो क्या करता है, स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है. PL यूज अ प्रोपोजिशन इन विच द कंप्लीट सेंटेंस इज अ डिनोट बाय द सिंबल. कोई एक सिंबल, कोई एक सेंटेंस के लिए वो क्या करता है, होल सेंटेंस के लिए कोई एक सिंबल यूज करता है. लाइक इट इज अ रेनी, इट मीन्स वी रिप्रेजेंट अवर प्रोपोजिशन एज अ पी. ओके, इट इज अ हॉट, इट इज अ ह्यूमिड, दैट्स वी रिप्रेजेंट एज अ पी क्यू आर, लाइक दैट. ओके, सो हम क्या करना है, कोई एक सिंबल एज एक सिंबल हम क्या करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि FOL क्या करता है, FOL इज अ प्रेडिकेट विच इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट वेरिएबल फंक्शन एंड रिलेशन. ओके, जबकि FOL है वो प्रेडिकेट है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, कॉल करता है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, जनरेट करता है. लाइक अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेरिएबल या तो फिर कोई रिलेशन या तो फिर कोई फंक्शन उसके हिसाब से वो डिराइव करता है. जबकि ये वाला कोई एक सेंटेंस को एक सिंबल से ही रिप्रेजेंट करता है. PL कैन नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी और रिलेशन बिटवीन एंटिटी. ओके, लाइक हीरल इज अ शॉट. अगर आपके पास ये वाला एग्जाम्पल है, हीरल इज अ शॉट, देन यू कैन नॉट डिराइव दिस एग्जाम्पल इन अ प्रोपोजिशनल लॉजिक. इट मीन्स नॉट डिराइव इन द PL. बट इफ यू हैव दिस सेंटेंस इन FOL, देन यू कैन डिराइव इजीली. ओके, यू कैन डिराइव डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल एंटिटी और रिलेशन बिटवीन एंटिटीज. ओके, हीरल इज अ शॉट, देन यू कैन डिराइव एज अ हीरन, हीरल शॉट, शॉट ऑफ हीरल. ओके, शॉर्ट इन ब्रैकेट हीरल. So you can derive like this. If PL cannot express specialization, generalization or pattern, etc. Like अगर आपके पास all rectangle है, four side को represent करना है propositional logic के मदद से, तो it's not possible. But if you want to represent this sentence in FOL, then it is possible. Because आपके पास क्या है, आपके पास एक relation है number of sides का, किसके साथ, relation के साथ, then सॉरी रेक्टेंगल के साथ, देन वी कैन से लाइक दैट रेक्टेंगल हैव फोर नंबर ऑफ साइज. ओके, ऑल रेक्टेंगल हैव फोर साइज. ओके, प्रोपोजिशनल लॉजिक इज अ फाउंडेशन लेवल लैंग्वेज. फाउंडेशन लेवल लैंग्वेज इट मीन्स बेसिक लैंग्वेज. ओके, आप कह सकते हो कि आप अगर आप हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी लैंग्वेज है वो क्या है, फाउंडेशन लैंग्वेज है. अब पाइथन है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है. बट जो कोई भी लॉजिक है, ओके, वो क्या होता है, यूज सी का ही यूज होता है. पाइथन में भी अगर आप जावा में बात, पाइथन में बात करें तो वो क्या है,
सबकी फाउंडेशन मीन्स कि हमारा बेसिक लेवल है. इट मीन्स पीएल इज अवर फाउंडेशन लैंग्वेज, वेयर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एफओएल इज अवर हायर लेवल लैंग्वेज. पीएल इज नॉट सफिशियंटली टू एक्सप्रेस इज द रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट. ओके, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होगा तो पीएल वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बट जबकि एफओएल है रिप्रेजेंट इजीली. ओके, पीएल मीनिंग ऑफ द फैक्ट इज अ कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट अनलाइक नेचुरल लैंग्वेज. ओके, उसको क्या चाहिए? फैक्ट ही चाहिए. अगर वो फैक्ट के अलग से होगा, नेचुरल लैंग्वेज टाइप होगा, या तो फिर उसके में ऑल, इन, एवरी, फ्यू, सम, वो दिस काइंड ऑफ द फैक्ट और दिस काइंड ऑफ द जो वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, तो वो डिराइव नहीं कर पाएगा. जबकि एफओएल में क्या है, तो वो नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से वो अपने आप से क्या क्वांटिफायर यूज करके वो कन्वर्ट कर देगा, वो मीनिंग है वो प्रेडिकेट जनरेट कर देगा. पीएल इज अ डिक्लेरेटिव इन नेचर. वो क्या करता है, डिक्लेयर करता है सेंटेंस को. वेर एफओएल इज अ डेरिवेटिव. वो क्या करता है, डिराइव्ड करता है सेंटेंस को. ओके, अपने हिसाब से वो क्या करता है, कन्वर्ट. हम करते हैं ना प्रेडिकेट लेकर, डिराइव्ड करते हैं, कोई प्रेडिकेट बनाते हैं, उस प्रेडिकेट में हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, उसके हिसाब से. अगर लाइक अमेरिका है इज सॉरी वेस्ट इज अमेरिकन. ओके, तो हम क्या करते हैं, अमेरिकन इन ब्रैकेट वेस्ट. ओके, तो हमें क्या किया है, डिराइव्ड किया है. जबकि यहाँ पर क्या करता है, डिक्लेयर करता है पी इज इक्वल टू वेस्ट इज अमेरिकन. ओके, इसके हिसाब से हम ऐसे लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे ये लाइक ए इज इक्वल टू बी. ओके, बट वॉट इज एफओएल, एफओएल क्या करता है, वो डिक्लेयर करता है सॉरी डिराइव्ड करता है अपने हिसाब से प्रेडिकेट को लेकर. ओके, सो दिस वन इज अ कंपैरिजन बिटवीन प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ओके, सो प्रोपोजिशन इन शॉर्ट एफओएल है वो क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक का नेक्स्ट वर्जन है, ऐसा भी आप कह सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.